मैं एग्जैक्ट कहाँ पे हूँ वो भी मैं भूल चुका हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ एक नए और ताज़ा तरीन वीडियो में। नहा धो के फ्रेश होके चाय वाय पी के मैं अभी हॉस्टल के बाहर निकल चुका हूँ। ये रहा अपना हॉस्टल, जो बाइक्स लगाई दिखाई दे रहे हैं ना आपको, वही अपना हॉस्टल नाम है उसका, बेड एंड बाइक हॉस्टल। और आज मैं जा रहा हूँ सफारी वर्ल्ड देखने के लिए, और वहाँ की दूरी यहाँ से लगभग है 30 किलोमीटर, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ बोल्ट टैक्सी करके। लगभग 300 बाथ देने पड़ेंगे। बस के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी की लेकिन ठीक ठाक कुछ पता लगा नहीं मुझे। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ सफारी वर्ल्ड के लिए। यूरोप पीपल लेन माई कार सफारी वर्ल्ड। ओके, अलॉट इन इंडिया, इंडिया पीपल अबाउट आई थिंक 90%। ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ इंडियंस आर कमिंग टू बैंकॉक। इट्स वेरी क्लोज, ओनली 4 आवर जर्नी, दैट्स वाई पीपल आर कमिंग टू बैंकॉक। तो टैक्सी मिल चुकी है हमको और अभी हम जा रहे हैं सफारी वर्ल्ड देखने के लिए। किंग 70 years. Oh, she is 44. Yeah, yeah. They married. But the king, he has many wife. Yeah, yeah. This king. Yeah. Oh. Yeah. Playboy. Playboy. What a harami ho, beta. Tu samjha? Yes. आखिरकार 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और अभी टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ यार बहुत सारे पंगे हैं। टिकट तो इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी दी है, बहुत ज़्यादा 1560 था बात, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगाए इसमें। मैं यहाँ पे बैठा हूँ मुआय थाई शो में, जबरदस्त शो चल रहा है, बंदर अपनी कला दिखा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। देख, मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ इसकी वजह से शायद ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। Standard you are studying grade, what's grade? My name is Sagita. What's your name? My name is Sunil Bhuvan. Sunil Bhuvan. Oh, nice. एलिफेंट शो के बाद हम जा रहे हैं अभी वार शो देखने के लिए, यानी कि यहाँ होगा युद्ध। एलिफेंट शो के बाद वाकई में बहुत बढ़िया शो लगा, बहुत मज़ा आया इसमें। रंग भी
रंगी फिश मैंने पहले कभी नहीं देखी है। वाओ, बहुत ज़बरदस्त, ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में पहली बार देखा यार। ऐसी फिशेस और अभी इतनी रंगीन और इतनी बड़ी बड़ी फिशेस है, देखो ना ये सब मछलियाँ हैं। काश इसे हाथ लगा सकता था। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो भी पैसे इसमें गए हैं वाकई में पैसा वसूल ट्रिप है। इसमें एक छोटी सी नदी और नदी के किनारे मैं बैठा हूँ और ये खा रहा हूँ राइस। ये येलो राइस है और इसके पड़े मुझे 30 बार 60 रुपये में इतना राइस मिला है। इसके साथ दाल भी मिल रही थी मगर वो बंदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए खाली राइस ही ले लिया। अगर यहाँ आपको आना है तो सुबह जल्दी 9-9:30 बजे यहाँ पहुँच जाएगा। टिकट आप किसी भी एजेंट से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ आकर भी ले सकते हैं। 1000-1200 बाद तक मिल सकती है टिकट। अगर गाइड की ज़रूरत पड़े आपको तो गाइड भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गाइड की ज़रूरत है। हाय हाय बाय। समझ में नहीं आ रहा लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा है। एक्चुअली यहाँ आने के बाद ना सब भूल गया मैं एग्जैक्ट कहाँ पे हूँ वो भी मैं भूल चुका हूँ। मुंबई से यहाँ आ चुका हूँ, बहुत दूर आ चुका हूँ, मगर यहाँ आने के बाद जो खुशी और सुकून मिल रहा है ना पूछो मत। आते टाइम थोड़ा डर डर के ज़रूर आया था कैसे होगा क्या होगा, फिर कुछ नहीं यहाँ आने के बाद एकदम सब कुछ सही हो गया। यहाँ मरीन पार्क में टोटल 7 शो है दिन भर के, और 7 शो अटेंड करना यार बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरा थक जाता है, लेकिन हर एक शो का एक अपना अलग अलग मज़ा है। अभी मैं एग्जिट हो चुका हूँ मरीन पार्क से। यहाँ से सफारी जाने के लिए अपने को अलग सी बस लेनी पड़ेगी। सफारी वर्ल्ड के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है मरीन पार्क और दूसरा हिस्सा है सफारी। तो अभी जो हमने अभी तक जो देखा वो सब कुछ मरीन पार्क में था इंक्लूड, और अभी जा रहे हैं हम सफारी वर्ल्ड टूर में। यहाँ शायद हमको अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। एक कुछ ऐसा ही जैसा हमने काजीरंगा नेशनल अभयारण्य में देखा था, लेकिन काजीरंगा नेशनल अभयारण्य जो है बहुत बड़ा है, इसके मुकाबले बहुत बड़ा है। एक छोटा सा पार्क है आप कह सकते हैं इसको, मगर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें बड़े भी आ चुके हैं, ये देखिए कौन सा पक्षी है, बड़े भी आ चुके हैं इसमें, और सब तरह के लोग एंजॉय करना चाहते हैं और कर रहे हैं। काजीरंगा में हम लोग जब गए थे ना तब भी वहाँ हमको पंछी बहुत सारे देखने को मिले थे, मगर वहाँ की एक बात थी कि वहाँ बहुत दूर दूर से देखने को पड़ रहा था और इतना खास नज़दीक से अच्छा नहीं दिख रहा था, मगर यहाँ पे ना बहुत नज़दीक से हम इनको देख सकते हैं। और ये देखो राइनोस, एक राइनो देखने के लिए हम तड़प रहे थे काजीरंगा अभयारण्य में, मगर यहाँ पे इतने राइनोस और इतना नज़दीक से हम राइनोस को देख रहे हैं। ये देखिए वाह कितने बड़े बड़े हैं राइनोस। मज़ा आ गया, हर एक टूर का अपना अलग अलग मज़ा है। दिस इज लायंस, ऑल लायंस आर स्लीपिंग, दिस माय हाउस स्लीपिंग। सफारी पार्क से अब हम बाहर आ चुके हैं।
फाइनली पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल, लेकिन टूर में बहुत मज़ा आया, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको भी लगेगा।